स्टूडेंट्स अभी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एट इट्स एक्सियल पॉइंट, ठीक है सो सो दिस इज अ डिस्क जिसको मैंने ऐसे रखा द प्लेन ऑफ द डिस्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड ऐसे करके रखा दिस इज फॉर फ्रंट व्यू डिस्क का रेडियस क्या है कैपिटल आर डिस्क में चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है सिग्मा और यू कैन से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा विच इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस में दिस इज गिवन दिस इज द क्वेश्चन सेंटर से स्मॉलर के सेंटर से स्मॉल आर के दूरी पे अलोंग द एक्सिस मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स so डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील निकालना इट्स वेरी इजी लेकिन मुझे रिंग का इलेक्ट्रिक फील पता होना चाहिए ठीक है रिंग का भी इलेक्ट्रिक फील मैंने निकाला मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो <coughs> so, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील एक बार देख लेते हैं सो दिस इज अ रिंग दिस इज अ रिंग जिसमें टोटल चार्ज क्या है कैपिटल क्यू द रेडियस ऑफ द रिंग इज ए और सेंटर से कितना दूर निकाला इट्स आर अलोंग द एक्सिस ठीक है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था के कैपिटल क्यू विच इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग स्मॉलर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर वट इज ए इट्स रेडियस ऑफ द रिंग ठीक है और इफ़ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है अवे फ्रॉम द सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर दिस इज टूर्ड्स द सेंटर बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द सेंटर ठीक है तो ये मुझे आना ही चाहिए तो मैं डिस्क का निकाल दूंगा ठीक है तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सेंटर से एक्स रेडियास लेके सेंटर से एक्स रेडियास लेके एक रिंग लेते ठीक है सो वट इज द रेडियस ऑफ द रिंग इट एक्स

रिंग का जो थिकनेस है वो कितना है डी एक्स तो स्टूडेंट्स ये एरिया कितना है वो बोल पाएंगे दिस एरिया ये जो मैंने शेड किया ये रीजन सो so, इसका लेंथ क्या होगा इसका लेंथ इसका लेंथ इस सरकमफेरेंस ये टोटल लेंथ क्या होगा सरकमफेरेंस इट्स टू पाई एक्स टू पाई एक्स इस रिंग को अगर काट के हम लोग इस रिंग को अगर काट के हम लोग फैला देंगे तो इसका लेंथ क्या होगा टू, टू पाई एक्स और थिकनेस क्या होगा डी एक्स समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स इस रिंग को मान लीजिए मान लीजिए इस रिंग को हम लोगों ने काट के ऐसे फैला दिया इस रिंग को तो उसका लेंथ क्या होगा इट इज द फ्रेंड्स टू पाई इंटू रेडियस रेडियस इज एक्स और थिकनेस क्या है डी एक्स तो उसका एरिया क्या होगा लेंथ इन थिकनेस इज टू पाई एक्स डी एक्स दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग अभी यूनिट एरिया में चार्ज कितना है यूनिट एरिया में चार्ज कितना है सिग्मा सो इस रिंग का एरिया में रिंग का एरिया में रिंग का एरिया में चार्ज कितना है ये रिंग का एरिया में चार्ज कितना है इस रिंग के एरिया में चार्ज कितना है यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द रिंग लेट इट बी ट इज ड्यू इट दिस रिंग जो मैंने शेड किया है ना उस शेडेड पोर्शन में कितना चार्ज है ठीक है ना इसके लिए इस दिस इज अ रिंग और रिंग के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम लोग बोल पाएंगे इट्स डी ई इक्वल्स टू क्या होगा K के के जगह पे के इज अ कॉन्स्टेंट क्यू क्या था चार्ज ऑन द रिंग यहाँ पे क्या है इट्स डी क्यू चार्ज ऑन द रिंग

और यहां पे जो मैंने ये जो रिंग लिया इसका रेडियस कितना लिया इस रिंग का रेडियस कितना लिया x ठीक है तो स्टूडेंट्स अभी अगर आप ध्यान देंगे ये जो डिस्क है ना ये जो पूरा डिस्क है ये बहुत सारा रिंग 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 मिलकी बनेगा हा या ना फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डिस्क तो यहां पे रिंग 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 बहुत सारा रिंग रिंग तो डिस्क बनता है ठीक है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं

आर के जगह पे आर डिवाइडेड बाय एक्स पावर थ्री बाई टू ठीक है और डायरेक्शन क्या होगा डी का इधर होगा डी का डायरेक्शन यहाँ पे तो देखा हम लोगों ने रिंग का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होता है इधर होता है मैंने तो चार्ज को पॉजिटिव माना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की होगा डी सो वट इज डी इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग और हर एक रिंग का हर एक रिंग का इस डिस्क में जितना भी रिंग बनाएंगे सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा हर एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एड मार देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इट्स एडिशन ऑफ डी और यू कैन इट्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल रिंग्स एंड एडिशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ठीक है ना सो so एम्प्लाइज इक्वल्स e टू थोड़ा जगह कमाते हैं सो इट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई ठीक है सो इंप्लाइज इक्वल्स टू डी के जगह पर डी बिठाएंगे सो के इज ए कांस्टेंट बाहर टू इज ए कांस्टेंट बाहर टू इज ए कॉन्स्टेंट बाहर के इज ए कॉन्स्टेंट बाहर सिग्मा इज ए कॉन्स्टेंट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया कॉन्स्टेंट बाहर पाई इज ए कॉन्स्टेंट बाहर देन आर इज ए कॉन्स्टेंट बाहर सो टू बाहर के टू बाहर के बाहर सिग्मा बहार पाई बाहर आर आर क्या है यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस जहां पे निकालना है वहाँ का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये क्यों चेंज होगा सो इट्स अ कॉन्स्टेंट बाहर तो अंदर क्या है स्टूडेंट्स अंदर क्या है टू को बाहर कर दिया के बाहर सिग्मा बाहर पाई बाहर आर बाहर तो अंदर क्या रहेगा एक्स डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू लिमिट किसका लिखना है एक्स का व्हाट इज एक्स रिंग का रेडियस एक एलिमेंट्री रिंग का रेडियस वो मिनिमम कहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे मतलब मिनिमम सबसे मिनिमम जो रिंग होगा सबसे जो छोटा रेडियस का रिंग होगा उसका रेडियस क्या होगा उसका एक्स का वैल्यू क्या होगा जीरो व्हाट इज एक्स व्हाट इज एक्स एलिमेंट्री रिंग का रेडियस तो वो सबसे कम सबसे यहां पे सेंटर में उस रिंग का रेडियस क्या होगा जीरो तो एक्स का वैल्यू जीरो और सबसे एक्सट्रीम यहां पे लेंगे रिंग मतलब सबसे छोटा यहां पे और सबसे बड़ा यहां पे होगा तो उसका रेडियस क्या होगा सबसे बड़ा वाला का

जनरल फॉर्मूला से नहीं होगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इट्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाई एक्सर प्लस और ये जो लिमिट है ये एक्स का लिमिट है तो so, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अभी से सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वास टू टी स्क् माना की एक्सक्वाज इक्वल्स टू टी स्क्शिएटिंग बोथ साइड एक्सक्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स इट्स टू आइस एक्स डी एक्स आर आर तो सेंटर से उस पॉइंट तक का दूरी जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये तो क्यों चेंज होगा सो दिस इज अ कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो इट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट्स टू आईस टी डी टी ठीक है सो टू टू कैंसिल ठीक है ना थोड़ा ध्यान देना है सिर्फ implies electric field becomes equals to twice k sigma pi r integration of deenge, toh, ab, look, students, Aur, x dx थोड़ा ध्यान देंगे तो अब आराम से समझ में आएगा x dx के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स इट्स t dt ठीक है और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर थोड़ा ध्यान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर टी स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू 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 कैंसिल होगा इट इज टी क्यूब समझ में नहीं आया एक्स स्क्वायर तो टी ऐसा होगा ना तो टू टू कैंसिल इट्स क्यूब ठीक है limit है लिमिट लिखना लेकिन अभी वेरिएबल क्या हो गया टी टाइम टाइम नहीं सॉरी टी सो टी का लिमिट लिखना पड़ेगा यहां पर लिमिट था तो टी का लिमिट निकालना पड़ेगा तो जब एक्स किसका वैल्यू है एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो बिठाते हैं एक्स का वैल्यू क्या है, है यहाँ पे एक्स कि एक का तो एक लोअर लिमिट क्या है किसका वैल्यू है? का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी एक्स का लोअर लिमिट बिठाएंगे तो टी का लोअर लिमिट निकल के आएगा तो एक्स के जगह पे जीरो बिठाया बिठा तो टी कितना निकल के आया आर ठीक है, Similarly, X के जगह पे बिठाएंगे अपर R, R. तो लिमिट तो तो बिठाया तो टी का upper limit निकल के आया ठीक है ना थोड़ा ध्यान चाहिए और एक एक टी कैंसिल होगा और ऊपर हो जाएगा टी टू तो दी पावर माइनस टू डी टी

इट्स इक्वल्स टू माइनस टू आई के इस माइनस वन को मैंने बाहर निकाला माइनस टू आई सिग्मा पाई आर ब्रैकेट के अंदर क्या है वन ना ब्रेकेट में तो अपर लिमिट टी के जगह पे अपर लिमिट क्या होगा वन बाय रूट ओवर आर स्क प्लस आर स्कर माइनस वन बाई टी है टी के जगह पे लोअर लिमिट इट्स वन बाई आर ठीक है इम्प्लाइस ई इक्वल्स टू टू आइस के सिग्मा पाई टू आइस के सिग्मा पाई इस आर को घुसा देते हैं अंदर और इस माइनस को भी घुसा देते हैं जैसे माइनस को अंदर घुसाएंगे माइनस माइनस बिकम्स प्लस और r मल्टीप्लाइड बाई वन बाई आर बिकम्स वन माइनस इसमें तो माइनस आ जाएगा ना और r भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ r ब्रैकेट के अंदर घुसा रहा हूँ सो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर

शायद नहीं है ठीक है कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो बार बार देखिए क्लियर हो जाएगा